दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे तो इस पर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो इससे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है जिसकी मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी यानी अपडेट दी थी। रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल यह है कि 40 मार्क्स हैं आपके तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन के लिए सिर्फ पोर्टल खुलेगा यानी आज यानी 1 दिसंबर 2021 को यूजी और पीजी वालों के लिए पोर्टल खुला है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए। अगर आपके आपने या किसी आपके मित्र ने अप्लाई नहीं किया है तो आज वो अप्लाई कर सकता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आज आनी थी अब उसकी डेट दोस्तों बढ़ चुकी है। आपको पता है कि अब यह फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 8 दिसंबर को यूजी वालों के लिए और पीजी वालों के लिए 4 दिसंबर, तो काफ़ी टाइम बढ़ रहा है। इसके अलावा लास्ट डेट जो पेमेंट ऑफ फीस रहेगी वो 11 से 13 दिसंबर तक यूजी वालों के लिए और 9 से 12 दिसंबर तक पीजी वालों के लिए रहेगी। तो ये तो हम लोगों ने सब पिछली वीडियो में जाना था। नहीं देखी वीडियो तो जाकर जल्दी से देख लो। इससे पहले का काम यह था कि आज यानी 1 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आनी थी तो डेट बढ़ गई है। तो हम लोग काम की बात करेंगे, उससे पहले एक दो बातें और आप जान लीजिए कि रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन यूजी कोर्सेस कोड। तो ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, जैसे कि आप देख चुके होंगे जैसे बीए में 806 सीट्स हैं तो 329 सीट्स अनरिजर्व के लिए हैं, 10% रहती हैं। ईडब्ल्यूएस की तो 80 सीट्स हैं, ओबीसी की 217 सीट्स हैं, एससी की 120 सीट हैं, एससी की 60 हैं, पीडब्ल्यूडी की 40 सीट्स हैं, डिफेंस कोटा की 5% यानी 40 सीट्स हैं। तो ये आप किसी भी मतलब अपने स्ट्रीम की देख सकते हैं या कोर्स की देख सकते हैं, इसमें बीए बीएफए बीकॉम बीबीए बीएससी तो आप सब देख सकते हैं ये। इसके अलावा कैटेगरी वाइज फीस डिटेल्स भी यह साइट पर अपलोड है, आप देख लीजिए। जैसे बीए के लिए 2600, अगर आपका सब मेरिट लिस्ट आ जाए, आपका नाम आ गया, सब आ गया, तो आपको लास्टली एडमिशन जब हो रहा है तो फीस यहाँ पर ये बताई गई है, एक सेमेस्टर की ये फीस है। तो ये भी आपने देख ली है तो मैंने बता दिया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि फ़ीस 1 ईयर की है या सेमेस्टर की है या कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो ये सब आप साइट पर अवेलेबल है तो आप देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में आपके द्वारा हैं तो वो हम लोग देख सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इन दिस वीडियो व्हाट कैन बी डन बाय यू, अगर आपका इस एंट्रेंस एग्जाम में आपका मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जब मेरिट लिस्ट आएगी, पता तो आज ही चल जाता लेकिन अब मेरिट लिस्ट की डेट बढ़ गई है तो अब देखते हैं। तो पहले नंबर, प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम नेक्स्ट टाइम जस्ट 5 मंथ्स टू गो। मतलब अगर आपका इस बार सिलेक्शन मतलब नहीं हुआ, आपका मान के चलो आपका इस बार एडमिशन नहीं हुआ, आपको लग रहा है फिर भी कि मुझे तो नई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप ही तो आपने देखिए किसी ना किसी कॉलेज में मुझे लग रहा है एडमिशन ले लिया होगा, या आपने नहीं भी लिया और आपको लग रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आप प्रिपेयर करिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी से, क्योंकि इस बार जल्दी होगा एग्ज़ाम। मतलब आपका 5-6 महीने में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब एक बार नहीं होता तो दूसरी बार में अप्लाई करते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं और पढ़ते हैं। तो पहले एक तो काम आप ये कर सकते हैं, इस बार अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो अगर आप अभी किसी कॉलेज में ले सकते हैं और प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप तैयारी करिए। और मतलब आपका एग्ज़ाम होगा लगभग, इस बार लग रहा है अप्रैल में हो जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि इस बार थोड़ा फास्ट चलेगा, अप्रैल है मैक्सिमम मई, लेकिन आपकी जुलाई से मतलब जुलाई से पहले ही आपका शेड्यूल चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी एक साल बर्बाद होगी, तो एक साल नहीं, क्योंकि इस बार जो हैं स्टूडेंट, इस बार जिनका एडमिशन हो रहा है वो मुझे लग रहा है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, जनवरी से जा पाएंगे वो। अब तो आप लोग तो मतलब जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक साल इसमें नहीं बोल सकते, 6 मंथ का बस रहेगा। दूसरी बात यह है, प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड नॉलेज अबाउट दोस एग्जाम। तो एक काम तो ये कि आपको लग रहा है मुझे तो नहीं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 5 महीने हैं अभी, और अगर आप मन बनाइए, लेकिन जो भी आपको करना है, आपको लग रहा है मुझे अब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी भी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसमें भी आप श्योर रहिए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज जुटा लीजिए जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू शुड नॉट मिस योर कॉलेज स्टडी। लेकिन अगर आप कॉलेज में भी हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, कॉलेज की स्टडी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करिए, कॉलेज की स्टडी भी करिए, उसके अलावा आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में कन्फ्यूज हैं तो आप ऐसा ना करिए कि दोनों एक साथ, आप मतलब कॉलेज की स्टडी को आप इग्नोर नहीं करिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बिल्कुल करिए, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन आपको कॉलेज की स्टडी को मिस नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज स्टडी एक ही बार होती है और ये आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है, क्योंकि आप जब भी जो भी सब्जेक्ट आप लें, चाहे बीए करें, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई भी आप करें, बाद में आपके जब इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम मान के चलिए आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो जो आपकी कॉलेज स्टडी है वो आपको वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा करती है, और कई बार तो ये प्रमोशन में भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो डिग्री के लिए आप ऐसा मतलब आप डिग्री के लिए सिर्फ ना पढ़िए, आप नॉलेज भी गेन करिए, तो आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा तीसरी जो बात है, क्लियर करें नेक्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम देना है या नहीं।
इस बार आपका एडमिशन में मान के चलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी आप क्लियर कर लें कि अगली बार एग्ज़ाम मुझे देना है कि नहीं देना। नहीं देना तो कोई बात नहीं, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम देना है तो अभी से देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर 2 साल के और साइट पर अवेलेबल हैं, और इस बार के जो आपने अभी दिया है उसको और सिलेबस को अच्छे से देखिए, क्योंकि इस बार आपको क्या कमी रह गई यह आप अच्छे से पॉइंट आउट करिए कि मतलब आपने ना सिलेबस देखा था, ना आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, ना आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, या आपने जो पढ़ा उससे थोड़े आगे के क्वेश्चन आए। जैसे आपने पढ़ लिया कि भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत ने पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते, तो इस टाइप से तो क्या कमी रह गई, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा दोस्तों कि आपको नेक्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम देना है कि नहीं। मतलब आप अभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे और फिर आप अगली बार फिर देंगे और जल्दबाजी में विदाउट प्रिपरेशन, तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लियर हो जाते हैं कि मुझे तो नहीं अगली बार एंट्रेंस एग्जाम देना ही है, तो आप अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे, और अगर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जो प्रिपरेशन की है वो तो आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं तो आप मतलब कहीं से भी आप फायदे में नहीं रहेंगे, तो आपको क्लियर कर लेना है। फोर्थ है, अगर एंट्रेंस एग्जाम अगली बार देना है तो अभी से तैयारी कीजिए। यानी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो एंट्रेंस एग्जाम अगली बार देना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही है, तो आप अभी से थोड़ी बहुत तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में एडमिशन लिए तो आप पढ़ नहीं सकते, आप कहीं भी लिए हो कॉलेज में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा समय तो निकाल सकते हैं, इसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और तो आप वीक सब्जेक्ट हैं जो उन पर आप फोकस करिए, यानी एंट्रेंस एग्जाम में आप सिलेबस तो देख ही लेंगे पहले से, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे, फिर आपको लगता है कि यार मेरी तो रीजनिंग वीक है और इस एग्ज़ाम में रीजनिंग आ रही है, या मेरी हिस्ट्री वीक है, या मेरी करंट अफेयर्स वीक है मेरा, या जीके आ रहा है तो जीके नहीं बनना है, या जो भी है मैथ्स नहीं बन रही है, तो आप वीक सब्जेक्ट पर आप प्रिपरेशन करिए। वीक सब्जेक्ट की कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, या जो भी है आप आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देखिए, एनालाइज करिए, ये मैंने बता दिया है, सिलेबस देखना ही है और एनालाइज भी करना है। नेक्स्ट है, सेकेंड टाइम भी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। अब आपको लग रहा है कि यार इस बार नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या, तो आपको लग रहा है जब ऐसा, तो आप अभी से किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और कॉलेज की पढ़ाई करिए, और साथ में थोड़ा सा आप टाइम एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे सकते हैं। और लास्टली, आपका फाइनल मोटिव UTD में पढ़ना नहीं था, तो मैं पहले भी बताता हूँ अभी भी बता रहा हूँ, UTD में पढ़ना आपका फाइनल मोटिव थोड़ी है। UTD में पढ़कर मतलब आपको एक आपका UTD तो आप ऐसा मानिए कि आपका मतलब आपका फाइनल गोल तो कुछ और है। जैसे आप UTD से स्टूडेंट LLB करते हैं तो उनका फाइनल गोल LLB ही करना थोड़ी है कि सर बस LLB ही कर ली यूनिवर्सिटी से, बस फाइनल गोल तो कुछ और रहता है, जैसे लॉयर बनना है, या एडवोकेट बनना है, सिविल जज बनना है, ADPU बनना है, या कुछ और बनना है। तो लास्टली, या MBA कर आपको मतलब क्या करना है, सिर्फ MBA थोड़ी करना है, जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनका यही मोटिव होता है कि जॉब करना है, जो भी है स्किल डेवलप करना है। तो लास्टली, आप वहाँ पर भी आपका फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मेहनत कर सकते हैं, आप कहीं और से भी BA/BEd कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है तो कहीं और से MBA कर सकते हैं, कहीं और से BSc कर सकते हैं। लास्टली, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का यही मतलब है कि वहाँ पर पढ़ें और अच्छे से नॉलेज गेन करें, तो नॉलेज लेना है आपको तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं। तो आप जैसे BA/BEd में आपका नहीं हुआ, आपका BA में हो रहा है तो BA में ले लीजिए, BA/BEd आप बाद में कर लीजिए, हो BA/BEd की आप थोड़ी सी स्किल अभी से देखते रहिए, तो आप BA कर लेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप और मैच्योर हो जाएंगे, और आप मतलब BA/BEd करेंगे तो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा, फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ तो क्या, ये आपके कुछ क्वेश्चन है। फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो फ्रेंड का हो गया तो अगली बार आपका हो सकता है। फ्रेंड आपसे मतलब एक सेमेस्टर ही आगे रहेगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि इस बार मतलब मेरिट लिस्ट अभी और सब आएगा, टाइम लगेगा, मतलब वो जनवरी से शेड्यूल इस बार का चालू हो पाएगा और आपका हो जाएगा अगली बार जुलाई से, क्योंकि जो 12 मार्च को मतलब लास्ट डेट 12 मार्च के आसपास शायद 12th वालों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, और मई में तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, जून में सब चलेगा, जुलाई से शेड्यूल चालू हो जाएगा, तो एक सेमेस्टर ही तो लेट हो रहा है और आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड का सिलेक्शन नहीं होगा, तो फ्रेंड ने तैयारी की है पहले, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उसका हो गया, आपने नहीं देखे तो आपका नहीं हुआ, इस बार आप देखेंगे, तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका भी होगा ना, आप तो इसमें कोई बात नहीं है। मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट इन सेकेंड टाइम, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी बार में सेलेक्ट हुए हैं, तो ये नहीं है कि एक बार में नहीं हुआ तो मतलब ठीक है। मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट इन सेकेंड टाइम, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी बार में एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं, एडमिशन उन्होंने लिया है और काफ़ी मेहनत की है और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, खुद का भी किया है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, आप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले तो आपको क्लियर करना है कि आपको अगली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, ठीक है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे क्या कमी रह गई ये आपको ज़रूर जानना है। हाँ, तो यह है, आपको ज़रूर देखना है, इस बार का आपको पेपर देखना ही पड़ेगा। आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपका आपको देखने का मन नहीं हो रहा, फिर भी आप देखिए, मतलब जो आपने जो राइट क्वेश्चन किए वो भी आप देखिए,
एग्ज़ाम का जो आप मतलब आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे इससे आप काफ़ी मोटिवेटेड होंगे पर्सनली। जैसे आपके 100 नंबर आए 200 में से, तो कहाँ से आपके किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए या किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए उनकी आपने तैयारी की थी, पढ़ाई की थी, या आपने 10th 12th में कहीं आपने पढ़ा था। लेकिन जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए वो थोड़े से एक कदम आगे लेवल के थे। जैसे आपको आर्टिकल बनता है तो उनने जो क्वेश्चन पूछा है टेंस वगैरह से आ गए, तो टेंस के आप नहीं कर पाए तो आप पढ़ लीजिए, या सिलेबस में एक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। आप जैसे आपने जैसे 20 टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपने 10 टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे थे लेकिन 10 टॉपिक बिल्कुल भी नहीं जानते थे आप, तो वो नहीं कर पाए। तो आपको सब पर फोकस करना है या जो भी है, तो एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्या कमी रह गई, आप इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं कर पाए, मैथ के नहीं कर पाए, रीजनिंग के नहीं कर पाए, या जीके के नहीं कर पाए, जो भी नहीं कर पाए आप, तो आपको यह पेपर में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गोल टारगेट एम, और इन पर आपको फोकस करना है। तो लास्टली आपको अपना मेन एम है, आपका जो उद्देश्य है, आपका गोल है, उसको आपको फोकस करना है। तो आपका सिर्फ एंट्रेंस मतलब इसमें एडमिशन मेन गोल नहीं है, मेन गोल या जो भी एम है या टारगेट है वो तो आपका काफ़ी दूर है, तो इसके लिए आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट, डीमोटिवेट हूँ अगली बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, ये अभी तो देख चुके हैं कि आप अभी जनरली मुझे लग रहा है मैनी स्टूडेंट अभी तक तो देखो कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले चुके होंगे, और नहीं लिया है तो अभी भी शायद अगर कहीं पर एडमिशन हो रहे होंगे तो आप ले सकते हैं, और लेने के बाद भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अगली बार दे सकते हैं। अगली बार हो गया तो सही है, और नहीं हुआ तो आप तो कॉलेज में फिर एडमिशन लिए ही हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो आपको नॉलेज हमेशा फ़ायदा करेगा। देखिए आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया इसी में आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपको मतलब 8th 10th आपने कहीं पढ़ा था, तो नॉलेज आपका वो यहाँ पर काम आया। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब प्रिपरेशन नहीं की एंट्रेंस की फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए क्योंकि वो उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई की थी, तो अगर आपने कहीं भी पढ़ाई की है तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो इस बार आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, अगली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दीजिए। तो दोस्तों डीमोटिवेट की कोई बात नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो आप अगली बार भी प्रिपेयर कर कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हों या कहीं भी, इस बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, जो भी आप समझें तो क्यों नहीं हुआ या मार्क्स कम क्यों आए, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आप उस पर ज़रूर स्टडी करिए। अगर आपने उस पर स्टडी कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मतलब आपको निराशा नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। पर दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।